हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट के रिगार्डिंग जो वर्ड मीनिंग यूज़ होती है। आप भी कभी कभी एयरपोर्ट जाते होंगे तो आप भी इस वीडियो को देखकर कुछ वर्ड्स सीखकर आप भी वहाँ पे इंग्लिश में बात कर सकते हैं और उस वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आज का हमारा पहला वर्ड है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है दर्ज करना, सूची में शामिल करना। अगर आपको इसको सेंटेंस बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, कृपया आप नाम यहाँ दर्ज कराएं, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ चेक इन योर नेम हेयर। प्लीज़ चेक इन योर नेम हेयर। अगला वर्ड है हमारा इमिग्रेशन। अप्रवासी या दूसरे देश में रहने वाले को इमिग्रेशन बोलते हैं। सेंटेंस क्या है, कृपया अपना अप्रवासी प्रमाण पत्र दिखाएं, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज शो योर इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। प्लीज शो योर इमिग्रेशन सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट का वर्ड हम देखते हैं कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क। इसका सेंटेंस देखते हैं हम, आपके हैदराबाद जाने की सीमा शुल्क 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, तो इसकी इंग्लिश हो क्या होगी Your customs of going Hyderabad is 1000 rupees. Next का वर्ड है हमारा डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है निकासी दरवाज़ा या बाहर निकालने का दरवाज़ा, निकलने का दरवाज़ा। जैसे मुझे कहना है जहाज से बाहर जाने का रास्ता A6 है, तो इंग्लिश होगी इसकी द डिपार्चर गेट ऑफ A6 इन द प्लेन। नेक्स्ट का वर्ड हम देखते हैं फर्स्ट क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। फर्स्ट क्लास मतलब प्रथम वर्ग। जैसे मुझे कहना है इंग्लिश में मैं जहाज के प्रथम वर्ग में हूँ, किसी से मुझे कहना है तो इंग्लिश में क्या बोलूँगा, आई एम इन द फर्स्ट क्लास इन एरोप्लेन। आई एम इन द फर्स्ट क्लास इन एरोप्लेन। नेक्स्ट है बिजनेस क्लास, व्यवसाय वर्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे कहना है कि मैं जहाज के व्यवसाय वर्ग में हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम इन बिजनेस क्लास इन एयरप्लेन। आई एम इन बिजनेस क्लास इन एयरप्लेन। नेक्स्ट का वर्ड देखते हैं हम लेओवर। लेओवर का मतलब होता है ठहराव, रुकने का स्थान होता है। जैसे मुझे कहना है कि जहाज में रुकने का स्थान हैदराबाद में है, तो इसकी इंग्लिश होगी द लेओवर प्लेस ऑफ एरोप्लेन इज इन हैदराबाद। ठहरने का स्थान होता है। नेक्स्ट का वर्ड है हमारा बैगेज क्लेम। बैगेज क्लेम का मतलब क्या होता है, सामान प्राप्ति का स्थान, जहाँ से आपको सामान मिलता है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, आपके सामान प्राप्ति का स्थान A2 में है, तो इसकी इंग्लिश होगी योर बैगेज क्लेम इज A2 इन द एयरप्लेन। नेक्स्ट का वर्ड देखते हैं हम करेंसी एक्सचेंज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुद्रा बदलना। जैसे मुझे कहना है कि मेरा 500 रुपये को डॉलर में बदल दीजिए, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ एक्सचेंज माई 500 रुपीज़ करेंसी इनटू डॉलर। नेक्स्ट का हमारा जो वर्ड है आज का वो है बोर्डिंग पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है जहाज में प्रवेश देने वाला पास। तो जैसे मुझे कहना है कि तुम जहाज में प्रवेश देने वाले पास ले जाना मत भूलना, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट फॉरगेट टू टेक योर बोर्डिंग पास।